मेरी माँ का एक कातिल मर चुका, आज तू भी मरेगा। आज मेरा एक और बदला पूरा होगा। सुबह सुबह तैरने का मजा ही कुछ और है, ना दिन है ना रात है, आई जस्ट लव द फीलिंग। मार क्यों नहीं पाए, उसे छूते ही ऐसे उछलकर दूर क्यों जा गिरी, ये कैसे हो सकता है? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। आ गया डकार, किसी का इंतजार था, चलो अब मुझे भी अच्छी नींद आ जाएगी। अरे ऐसे क्या देख रही है? इंसान हूँ, जानवर थोड़ी ना हूँ, ये खाया पचाया और डकार भी नहीं ली। इतना क्यों चला है? घर में पब्लिसिटी करेगा क्या कि मेरे घर में जानवरों का झुंड रहता है? शांति से बता क्या हुआ? अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अंतिका, मैं ऊपर पूल में स्विमिंग कर रहा था, जैसे मैं बाहर आया, अरे बहुत बड़ा नाग मेरे सामने खड़ा था। उस नाग ने मुझे पहले डुबाने की कोशिश की और बाद में उसने मुझे डसने की भी कोशिश की, लेकिन वो मुझे डस नहीं पाया। इससे पहले कि वो मुझे मारता, वो नाग खुद उछल के कहीं दूर गिर गया और मैं अपनी जान बचा के यहाँ चलाया। लेकिन आप लोग मानते, बहुत बड़ा नाग था। चुप कर, मैंने कहा चुप। उसे तुझे मारा नहीं ना, तू जाके सो जा और हम भी सो रहे। नाग बहुत सर चढ़ गया, पहले इसने मुझ पर वार किया, अब तुम पर। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पहले पकड़ के तो दिखा। मेरा मतलब है, कपालिका ने कहा था ना, निकाल रही है वो तो। जब तक वो कोई तोड़ निकालेगी, वो नाक हम सबको डस लेगा। अरे मक्खी होके डरती है तो? मक्खी रानी, ये गरुड़ मणि पहना है ना गले में, और जब तक इसके होते हुए वो नाक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसे कभी उतारना नहीं, क्योंकि ये बाहर निकला तो जान। नहीं 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 नहीं, इसे मैं कभी नहीं निकालूंगा, इसे कभी नहीं उतारूंगा। ये नाग मेरी काली नागिन से भी बहुत बहुत शक्तिशाली है, पकड़ में नहीं आ रहा है। आखिर ये है कौन, और इसका असली रूप क्या है? क्या है इसका असली रूप? इसका मतलब कि विक्रम के पास भी कोई ऐसी शक्ति है जो अवंतिका के पास है, इसीलिए तुम उसको नहीं मार सकी। लेकिन अगर उसके पास कोई शक्ति होती तो वो डरा क्यों? सांप को देखकर उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया?
ये निशान कैसा? ये जब सोके उठी तो ये निशान तो नहीं था। ये तो किसी जानवर के काटने का निशान लग रहा है। जानवर? पर मुझ पर तो किसी जानवर ने हमला नहीं किया, तो वो कोई शक्ति ही थी जिसने मुझे पुल से बाहर फेंक दिया। तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति की वजह से ये जख्म तो भर गया, लेकिन निशान रह गया। हमें पता लगाना होगा कि ये निशान किसका है, लेकिन हमें बताएगा कौन? गुरुदेव गोरखनाथ। हर हर महादेव! अनर्थ, घोर अनर्थ! गुरुदेव, ये क्या है? ये तो गरुड़ के दंग का निशान है। नाग नागिन के सबसे बड़े दुश्मन गरुड़। गरुड़? और मैंने तो उसे नहीं देखा। मैं तो वहां विक्रम पर वार करने गई थी। वो एक महिष्मती है और शेषा एक नागिन। फिर ये गरुड़? हर हर महादेव! हाथ आगे कर। गुरुदेव, ये क्या था? कवच। कवच, उन्हें कवच मिल चुका है। कवच? कैसा कवच? रक्षा कवच। कोई अंगूठी या ताबीज, कुछ भी हो सकता है। उन पांचों के पास है वो, सिर्फ अवंतिका और शेषा के पास नहीं है, क्योंकि उन्हें कवच की कोई जरूरत नहीं है। अब तेरा इंतकाम और थोड़ा कठिन हो गया है। पहले पता लगा क्या है वो कवच, फिर उसे निकाल, उसके बाद तू उन पांचों को मार पाएगी। जब तक वो कवच उनके पास है, तू उन्हें छू भी नहीं सकती। चाहे वो हजारों कवच पहन ले, पर मेरे इंतकाम से नहीं बच पाएंगे। मरेंगे, एक एक करके सब मरेंगे। विक्रम, तेरी मौत तेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। पहले ये पता लगाना है कपालिका ने इन सबको बचने के लिए क्या दिया है। ये कुर्ता मत पहनो, ये मत पहनो। क्यों, अच्छा नहीं लगा आपको? लेकिन आप ही ने कहा था रानी साहिबा कि शाम को हमें कुर्ता पैजामा पहनना है। हाँ, मैंने कहा था, पर ये वाला नहीं, रेड वाला पहनो, उससे तुम्हारी आंखें निखर के आती है। वो पहन लो। तो जो हमारी रानी साहिबा का हुक्म होगा वही होगा। चलिए जरा मुझे हेल्प कर दीजिए। तो ये गरुड़ मणि है, इनका रक्षा कवच। मैं लेकर आती हूं। ये रहा नकली रक्षा कवच। अब बस इसे विक्रम के गले में डालना है और उस कवच को गले से हटाना है।